भारत ने मिशन मून के जरिए चांद को मुट्ठी में कर लिया है। बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम 6:04 पर इसरो के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए भारत को उन चंद देशों की लाइन में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया जिन्होंने मिशन मून को फतह किया है। चांद पर चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग करने के साथ ही भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया, जबकि चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश। इस कामयाबी में इसरो के तमाम वैज्ञानिकों ने भूमिका निभाई है, जिसमें पूर्वांचल के दो युवा वैज्ञानिक भी शामिल हैं। पूर्वांचल के रहने वाले हैं दोनों युवा वैज्ञानिक। गाजीपुर जिले के रेवतीपुर गांव के रहने वाले कमलेश शर्मा और मिर्जापुर जिले के आलोक पांडे चंद्रयान 3 मिशन की टीम में शामिल थे। चांद की सतह पर सफल लैंडिंग को लेकर दोनों वैज्ञानिकों के गाँव में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया और खुद भी वो युवा काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर की गई। इसको करवाने के साथ सिग्नल के माध्यम से संपर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी साइंटिस्ट आलोक पांडे के कंधों पर थी, इसलिए पूरे दिन उनके घर में पूजा पाठ होती रही। आलोक पांडे कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आलोक के माता पिता के अलावा पूरे परिवार ने सफल लैंडिंग के लिए माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की और प्रार्थना की। शाम को जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो परिवार के साथ ही पूरा गांव जश्न में डूब गया। आलोक के माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो भावुक होकर बोले, चंद्रयान मिशन सफल हो गया। आलोक इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दूसरी तरफ कमलेश शर्मा के गाँव रेवतीपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कमलेश शर्मा के गांव में भी बुधवार की सुबह से लोग मिशन के सफल होने की दुआएं कर रहे थे। मंदिरों में हवन पूजा किया जा रहा था। परिवार के लोग भी सफल लैंडिंग के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कमलेश शर्मा चंद्रयान 3 मिशन टीम के अन्य वैज्ञानिकों के साथ शामिल थे। कमलेश शर्मा इससे पहले 2014 के मंगलयान मिशन में चीफ कंट्रोलर की अहम भूमिका में थे। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 के मिशन का भी वो हिस्सा रह चुके हैं। कमलेश शर्मा का जन्म 15 सितंबर 1986 को हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव से हुई, उसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा गाजीपुर से पास करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ आ गए। लखनऊ से कमलेश शर्मा ने पढ़ाई की, लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक और गणित से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साल 2008 में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए और गोल्ड मेडलिस्ट बने। इसी दौरान कमलेश शर्मा ने नेट और गेट की परीक्षा भी पास की। 2010 में उन्होंने ज्वाइन किया इसरो। कमलेश शर्मा ने साल 2010 में इसरो की तरफ से आयोजित मैथमेटिक्स एक्सपर्ट की एक स्पेशल परीक्षा को पास करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। पूरे देश में इस परीक्षा में 12 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें कमलेश भी शामिल थे। कमलेश शर्मा ने चंद्रयान मिशन से पहले भी कई स्पेस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। इनमें मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान मिशन भी शामिल था। कार्टोसेट 1, ओशन सेट, हेमसेट, कार्टोसेट 2A, इंडिया और फ्रांस के जॉइंट वेंचर सैटेलाइट मेगा ट्रॉपिक 1 सैटेलाइट के सफल परीक्षण की भूमिका भी निभा चुके हैं। बताते चलें कि चंद्रयान 3 की सफलता में इसरो के तमाम वैज्ञानिकों और स्टाफ के साथ साथ 100 महिलाएं भी शामिल थी। वैज्ञानिकों और स्टाफ ने भी कई ज्यादा योगदान किया है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लेकर जारी विस्तृत जानकारी में इस बात का उल्लेख किया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 अभियान की परिकल्पना, उसे डिजाइन करने, आकार देने, परीक्षण करने और अभियान को क्रियान्वित करने के इनमें 100 महिलाओं की भूमिका रही है। इनके द्वारा अंजाम दिए गए कामों ने लैंडर की दिशा निर्धारित करने और उसे चंद्र की सतह तक पहुंचाने का काम भी महिलाओं ने किया है। कई क्षेत्रों में इन महिलाओं ने कई ज्यादा नेतृत्व भी प्रदान किया है। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।